हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक गुरुजी। तो दोस्तों, लीक न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और इस लीक न्यूज में लाया हूं मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोबाइल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों लीक न्यूज का पहला खबर। तो पहला खबर जी आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग, जैसे हमको पता है कि सैमसंग का जो ए सीरीज का फोन था बहुत ही बढ़िया बिका, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा बिका है। तो सैमसंग कंपनी 2017 में ए सीरीज का 3 नया फोन लेके आ रहा है जिसका नाम है A3, A5 और A7। तीनों में ही एक कॉमन खासियत बताऊं तो तीनों में एक कॉमन खासियत ये रहेगा कि तीनों ही वाटरप्रूफ एंड डस्ट रेजिस्टेंस रहेंगी दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों A3 की, तो A3 दोस्तों कुछ रहेगा इस प्रकार, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन। जो A3 का दोस्तों रहेगा, डिस्प्ले रहेगा वो एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, 4.7 इंच का स्क्रीन रहेगा इसका दोस्तों, 1.6 GHz का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर दिया है, साथ में 2 GB का इसका रैम दिया गया है दोस्तों। जो इंटरनल रहेगा दोस्तों रहेगा 16 GB इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 13 MP का दोस्तों रियर कैमरा रहेगा LED फ्लैश के साथ, और इसकी जो बैटरी रहेगी 2350 mAh की। जी हाँ दोस्तों, 2350 mAh की इसकी बैटरी रहेगी। ये भी दोस्तों डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस इसकी ग्लास रहेगी। जो A5 आएगा वो रहेगा दोस्तों 5.2 इंच की स्क्रीन रहेगी, फुल एमोलेड डिस्प्ले के साथ रहेगा दोस्तों, 1.9 GHz का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर रहेगा, 3 GB का रैम रहेगा दोस्तों। इस फोन का खासियत, क्योंकि इसके रियर कैमरा जो है 16 MP का रहेगा दोस्तों, इसकी इंटरनल स्टोरेज रहेगी 32 GB की दोस्तों, और इसकी जो बैटरी रहेगी वो रहेगी 3000 mAh की। वही हम बात करें अगर A7 की, तो A7 का कुछ ऐसा फीचर्स रहेगा दोस्तों। A7 में रहेगा 5.7 इंच की स्क्रीन रहेगी, HD सुपर एमोलेड की इसकी डिस्प्ले रहेगी, 1.9 GHz का इसका दोस्तों ऑक्टाकोर का प्रोसेसर रहेगा, 3 GB का रैम रहेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो रहेगा 32 GB, 16 मेगापिक्सल का इसका कैमरा रहेगा दोस्तों, और अगर इसकी बैटरी की बात करूं तो रहेगा 3600 mAh की दोस्तों। तो ये तीनों दमदार फोन आने वाला है सैमसंग का, A3, A5, A7 जल्दी। प्राइसिंग की बात करूं तो दोस्तों प्राइसिंग अभी तक मुझे पता नहीं चली है, जैसे ही पता चल जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। अब दूसरी लीक न्यूज की बात करूं तो जैसे हम जानते हैं कि दोस्तों कि जैसे जैसे स्मार्टफोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके प्रोसेसर अच्छे दे रहे हैं, उसके कैमरास अच्छे दे रहे हैं, डिस्प्ले अच्छी दे रहे हैं, बट बैटरी का क्या दोस्तों? बैटरी तो हमें मतलब उतनी ही मिल रही है, 4000 के ऊपर तक गए नहीं, तो इसे भी एक कंपनी ने दूर कर दी है। याऊ करके नाम है, YAAO करके, याऊ A6000+ ने एक नया फोन निकाला है। वो फोन का जो बैटरी रहेगा वो रहेगा दोस्तों करीबन 10900 mAh की। जी हाँ, 10900 mAh की इसकी बैटरी रहेगी, 18 mm की इसकी थिकनेस रहेगी, इसकी जो रिजोल्यूशन रहेगी या फिर इसका स्क्रीन का जो साइज रहेगा वो 5.5 इंच की स्क्रीन की साइज रहेगी, HD डिस्प्ले के साथ आएगा दोस्तों, 1.5 GHz का मीडियाटेक का प्रोसेसर रहेगा, 1 GB का रैम रहेगा, 16 GB का इसका इंटरनल स्टोरेज रहेगा जिसको आप 64 GB तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसकी कैमरा की बात करूं तो 13 MP का इसका बैक कैमरा रहेगा और 5 MP का इसका फ्रंट कैमरा रहेगा। जो इसका आकर्षित या फिर बोल सकते हैं जो इसको लेने का जो टेम्पटिंग रहेगा, जो इसका प्राइस रहेगा दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ही टेम्पटिंग है। इसका प्राइस अगर मैं बताऊं तो है इसका प्राइस 2200 रुपये। जी हाँ, 2200 रुपये में 10900 mAh बैटरी के साथ ये फोन आता है दोस्तों। ये आपको JD.com या फिर JustDial.com पे आपको ये मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाके आप इस फोन को ले सकते हैं। तीसरे खबर की बात करूं तो तीसरा रहेगा दोस्तों लिनोवो। लिनोवो जाना जाता है अपने जूक के फोन्स के लिए। लिनोवो का जूक का फोन बहुत ही बिका था और बहुत ही बढ़िया फोन था लुक, जूक का जो भी जूक 1, जूक 2। तो अब लिनोवो ने निकाला है जूक एच करके दोस्तों। जूक एच लिनोवो का जो मतलब नया फोन आने वाला है उसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं दोस्तों। दो वेरिएंट में आएगा, एक 4 GB का रैम रहेगा, एक 6 GB का रैम रहेगा। इसकी अगर प्रोसेसर्स की बात करो तो 2.35 GHz वाला क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का 821 का प्रोसेसर लगाया है दोस्तों। इसकी जो स्क्रीन की साइज की बात करो तो 5.5 इंच की इसकी स्क्रीन की साइज रहेगी। गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है तो आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन स्क्रीन पे मिल जाता है। इसकी जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा जिसको बताया गया कि अनलॉकिंग रहेगा 0.09 सेकंड, तो ये बहुत ही मतलब फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर अभी तक का शायद आप बोल सकते हैं रहने वाला है। एंड्रॉइड 7.0 नॉगट लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ आने वाला है दोस्तों। इसकी कैमरा की बात करूं तो 13 MP का जो
13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा रहेगा जिसकी अपर्चर रहेगी करीबन 2.0, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहेगा जो कि रहेगा 1.12 माइक्रोन पिक्सल सेंसर के साथ। बैटरी की बात करूँ तो 3100 mAh की बैटरी आएगी और स्टोरेज इंटरनल रहेगी 64 GB। मैंने बता दिया दो वेरिएंट में आएगा 4 GB और 6 GB। जो 4 GB वेरिएंट की प्राइस रहेगी वो करीबन 22,500 रहेगी और जो 6 GB वेरिएंट की प्राइस रहेगी करीबन 24,500 रहेगी। दोस्तों ये तो था लिनोवो का ज़ूक एज, बहुत ही बढ़िया फ़ोन निकाला है उन्होंने। अब बात करते हैं लास्ट खबर की, जो कि आप लोगों के लिए कुछ खबरी ये है कि रेडमी नोट 4 जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे वो कल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, रेडमी नोट 4 कल लॉन्च होने वाला है इंडिया में, शायद जनवरी के एंड तक आपको वो मिल जाएगा। दोस्तों अब रेडमी नोट 4 का मैंने 5 reason to buy, 5 reason not to buy का भी वीडियो बनाया है। दोस्तों आप वो मेरे चैनल के ऊपर पॉपअप में देख सकेंगे, वहां से पॉपअप में जाइए उसका वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, आपको पसंद आएगा दोस्तों वो रेडमी नोट 4 का रीजन। अब रेडमी नोट 4 को आपको बता दूं कि जैसे कि वो तो कल लॉन्च ही होने वाला है, उसका कुछ आपको बता दूं कि प्राइस या फिर क्या रहेगा उसका प्राइस कुछ सामने आया है। रेडमी नोट 4 का जो 2 GB और 16 GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस रहेगा करीबन 9,000 रुपये, और जो 3 GB 64 GB इंटरनल स्टोरेज रहेगा उसका प्राइस रहेगा करीबन 12,000 रुपये। दोस्तों तो देखिए यार, 9,000 और 12,000 में दोस्तों मिल रहा है, कल लॉन्च होगा और जनवरी के एंड तक शायद अमेजोन पे बिकना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये खुशखबरी है रेडमी नोट 4 जो भी लोग वेट कर रहे हैं। दोस्तों था ये तो था कुछ लीक न्यूज आप लोगों के लिए, लाया मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा, आशा करता हूँ आपको ये लीक न्यूज पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लीक न्यूज को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लोगो पे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे रोजाना वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।